से हारे आए तेरे पास, शीश नवा कर करते नमन तू ही हमारी आस। नीरस जीवन विचलित मन हटके तुझसे दूर, चरण में तेरी अब आए दे हमें बनो, दे हमें आशीष कर तू हमें पावन, तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन, दे हमें आशीष कर तू हमें पावन, तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम सब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इन दिनों में हम इब्रानियों के नाम लिखित पत्र से ईश वचन सुनते आ रहे हैं। इब्रानियों के नाम लिखित पत्र हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और हम मनुष्यों के भाई हैं। वह हमारे लिए दीन, दयालु और ईमानदार प्रधान याजक बनकर हमारे जैसे बने, हमारे सदृश बने। वह हमारे सुध लेते हैं, वे हमारी दुर्बलताओं में सहानुभूति रखते हैं। हमारे पुरोहित, हमारे प्रधान याजक बनकर हमारे पाप हरने के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान चढ़ाया, ताकि हमें पाप क्षमा, दया एवं करुणा मिले। आइए हम विश्वास, भरोसे और कृतज्ञता के मनोभाव के साथ उनके अनुग्रह के सिंहासन के पास आगे बढ़े। हम अपने पाप स्वीकार करें जिससे पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें।
प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने भक्तों को सदा शरीर और मन का स्वास्थ्य प्रदान कर। धन्य कुवारी मरियम की प्रार्थनाओं द्वारा हम संसार के दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग का अनंत आनंद प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमेन। इब्रानियों के नाम पत्र से पाठ। उन्होंने अपना ही रक्त लेकर एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया। एक तंबू खड़ा कर दिया गया, उसके अगले भाग में दीपाधार था, मेज थी और भेंट की रोटियां थी। वह मंदिर गर्भ कहलाता था। दूसरे पर्दे के पीछे का कक्ष परम पावन मंदिर गर्भ कहलाता था। मसीह हमारे भावी कल्याण के महायाजक के रूप में आए और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना ही रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलोर के राख अशुद्ध लोगों पर छिड़क देता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया था, हमारे अंतकरण को पापों से क्यों शुद्ध नहीं करेगा और हमें जीवन ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। आपका अनुवाक्य होगा, ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरी के घोष के साथ आगे बढ़ता है। सभी राष्ट्र तालियां बजाए और प्रफुल्लित होकर ईश्वर का जयकार करें, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है, वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरी के घोष के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरी के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरी के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में बाजा बजाओ, हमारे राजा के आदर में बाजा बजाओ। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरी के घोष के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरी के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है, उसके आदर में मन लगाकर बाजा बजाओ। ईश्वर सभी राष्ट्रों पर राज्य करता है, वह अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरी के घोष के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरी के घोष के साथ आगे बढ़ता है।
जीवन पावन सुनता जो तेरा वचन आता नया जीवन के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के योसेफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा पात्र है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज करेंगे और उनके राज का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपके कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो भांश कहलाती थी छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्यारे भाइयों और बहनों, एलिजाबेथ ने बड़े आनंद के साथ, उल्लास के साथ मरियम का अपने यहाँ स्वागत किया, और मरियम का अभिवादन सुनते हुए, मरियम का अभिवादन करते हुए एलिजाबेथ ने कहा, धन्य है आप जिन्होंने विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा है वह पूरा हो जाएगा। संत लूकस मरियम एलिजाबेथ के मिलन के बारे में लिखते हुए नाजरेत के उस छोटे परिवार में, नाजरेत के उस छोटे परिवार की निगूढ़ता में जो हुआ उसके ऊपर एक महत्वपूर्ण रोशनी डालते हैं। लेकिन ऐसी कैसी, ऐसी क्या बड़ी बात हुई, ऐसी कैसी
अनोखी बात हुई नाजरत के उस छोटे परिवार में। इस सवाल का जवाब सरल है, मरियम ने विश्वास किया। मरियम ने विश्वास किया और विश्वास करने से मरियम प्रभु की माता बनी। मरियम ने विश्वास किया, एक बहुत ही छोटा एवं सरल वाक्य, लेकिन इस छोटे वाक्य में प्यारे भाइयों तथा बहनों बहुत कुछ कहा गया है। इन छोटे शब्दों में बहुत कुछ निहित है। इस छोटे वाक्य में मानव इतिहास में विश्वास से जुड़ी हुई सबसे बड़ी निर्णायक घटना घटी। मरियम के इन शब्दों में ईश्वर के इस जवाब में हमें यह देखने को मिलता है कि ईश्वर के प्रति मनुष्य का धार्मिक आचरण कैसे होना चाहिए। मरियम का यह उत्तर ईश वचन को पूरा करने में तत्परता, संपूर्ण सहमति और आज्ञाकारिता आदि मनोभाव हमारे सामने रखता है। आपने सुना होगा ओरिजिन करके एक नाम, ओरिजिन आदि कलिसिया का एक प्रसिद्ध लेखक मरियम के इस उत्तर पर व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मरियम के शब्दों का तात्पर्य यह है। वो कहते हैं, देखिए मैं एक पार्टी हूं, मैं एक मोम की पार्टी हूं, जो कुछ आप लिखना चाहेंगे सो लिखिए। आजकल पार्टी का प्रयोग कौन करता है लिखने के लिए? आजकल हम सब स्मार्ट बन गए हैं, स्मार्टफोन और टैबलेट्स, और हमारी कलिसिया भी स्मार्ट बन रही है, बहुत अच्छी बात है। तो ओरिजिन के ये शब्द को हम ऐसे कह सकते हैं, हम लिखने के लिए आजकल ज़्यादातर पेपर या कलम का प्रयोग करते हैं, तो ओरिजिन के शब्दों को हम थोड़ा बदल कर कह सकते हैं, मैं एक कोरा कागज़ हूँ, आप इस कोरे कागज पर जो लिखना चाहते हैं सो लिखिए। मरियम ने स्वर्गदूत से सवाल किया, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। 6 महीने पहले एक दूसरे व्यक्ति ने इसी प्रकार का सवाल उसी स्वर्गदूत से किया था। योहन बपतिस्ता के जन्म का संदेश लेकर आए हुए स्वर्गदूत से जकरियस ने भयभीत होकर घबराकर कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चली है। एक ऊपरी नजर से जकरियस और मरियम के इन दो सवाल हमें एक समान लगते हैं। ऊपरी नजर से ये दो सवाल में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ध्यानपूर्वक देखें तो इन दोनों सवालों में बड़ा अंतर है। सुसमाचार लेखक हमें बताता है कि जकरियस ने स्वर्गदूत के बातों पर विश्वास नहीं किया। जकरियस ने स्वर्गदूतों के शब्दों पर विश्वास नहीं किया। ईश्वर के सामर्थ्य पर उसे संदेह हुआ, उसे शक हुआ, परंतु एलिजाबेथ कहती है कि मरियम ने विश्वास किया। यह सच है कि मरियम ने प्रश्न किया, यह कैसे हो सकता है, लेकिन मरियम के प्रश्न में कोई संदेह या शक नहीं था। मरियम को संपूर्ण विश्वास था, पूरा भरोसा था कि ईश्वर अपना वचन पूरा करेगा। उसने ईश्वर से सारी छोटी छोटी बातों का विवरण नहीं पूछा, उसने सारी बातें एकाएक समझने का प्रयास नहीं किया। मरियम केवल यह जानना चाहती थी कि मुझे ईश्वर का वचन पूरा करना चाहिए, कैसे पूरा करना चाहिए, मुझे ईश्वर का वचन कैसे पूरा करना चाहिए। वह इतना ही जानना चाहती थी कि ईश्वर की इच्छा पूरी करने में मुझे क्या करना चाहिए, किस ढंग से आचरण करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना पड़ेगा। और यह तो बिल्कुल गलत नहीं है, आप भी पूछ सकते हैं ऐसे। मरियम हमें सिखाती है कि कई अवसर और कई परिस्थितियां ऐसे होते हैं
हमारे जीवन में जब हमें ईश्वर की इच्छा ईश्वरीय योजनाओं के कारण जानने का जिद नहीं करना चाहिए। कई कठिन परिस्थितियों में हर एक चीजों का कारण जानने का प्रयास करना उचित या सच्चा धार्मिक मनोभाव नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हम ईश्वर से यह प्रकाश के लिए बिल्कुल प्रार्थना कर सकते हैं, यह कृपा हम जरूर मांग सकते हैं ताकि हम ईश्वर की योजना के प्रति संपूर्ण आज्ञाकारी बने। मरियम ने स्वर्गदूत को हाँ कहा, संपूर्ण, और मरियम का वो हाँ था वो संपूर्ण और बेशर्त हाँ था, बिना किसी शर्त का हाँ था। मरियम ने ईश्वर के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। हम जानते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं ईश्वर ने हाँ कहा था, हो जाए कहा ईश्वर ने कहा। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में पहले अध्याय में ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। उसी प्रकार प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने गेत्सेमने की प्राण पीड़ा में के समय में भी ये शब्द कहते। प्रभु कहते हैं वहां पर, पिता यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। हां कहना एक ऐसा कार्य है, एक ऐसा संकल्प है, एक ऐसा निर्णय है जो सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति ले सकता है जो स्वतंत्र है। पहला हां वह ईश्वर का हां था, ईश्वर का ईश्वरीय हां था। मरियम का हां आप और मेरे जैसे एक साधारण मनुष्य का हां था। मरियम का इस हां का मूल्य ईश्वर की कृपा पर अवलंबित है। शरीरधारी ईश्वर, ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु के महत्वपूर्ण एवं निर्णायक हां कहने के पहले हमारी तरफ से आप और मेरे प्रतिनिधि बनकर, सारी मानव जाति का प्रतिनिधि बनकर मानव जाति के मुक्ति कार्य हेतु मरियम ने हां कहा। मरियम ने ईश्वचन को मंजूरी दी, ईश्वर की योजना को अनुमति दी। ईश्वचन तथा ईश्वर की इच्छा, उसकी योजना के प्रति सारा मानव जाति का उत्तर मरियम के हां में संचित है। मरियम का जवाब सांकेतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। मरियम का जवाब पूरे मानव जाति के जवाब का एक संकेत था। मरियम का जवाब ईश्वर की मुक्ति योजना के प्रति हर एक इंसान के जवाब की ओर संकेत करता है। हम कह सकते हैं कि मरियम के द्वारा ईश्वर हर मानव को एक चुनौती देते हैं और मानव जाति को मुक्ति प्राप्त करने का मौका देते हैं। जब वह कुंवारी थी, हेवा ने सांप का शब्द सुनकर शाम के शब्द मान लिया, और इस नतीजे हेवा ने अविधेयता तथा मरण को इस संसार में जन्म दिया। बदले में कुंवारी मरियम ने, नई हेवा ने गब्रियल दूत से प्राप्त संदेश का विश्वास एवं आनंद के साथ स्वीकार किया और कहा आपका वचन मुझ में पूरा हो जाए। विश्वास से प्रेरित अपने इन शब्दों द्वारा मरियम ने उसे रिहा कर दिया जो हेवा ने बांध रखा था। धन्य है आप जिन्होंने विश्वास किया। एलिजाबेथ के इन शब्दों से हम कह सकते हैं कि मरियम की दिव्य मातृत्व केवल शारीरिक मातृत्व नहीं है। संत अगुस्तीन कहते हैं कि कुमारी मरियम ने पहले विश्वास किया और उसके बाद मरियम ने उसको जन्म दिया। जब स्वर्गदूत का संदेश मरियम के कानों में पड़ा
तब उसने संपूर्ण विश्वास किया और उसके बाद ही उसने प्रभु यीशु को अपने गर्भ में धारण किया, अपने गोद में स्वीकार किया। अगर मरियम ने विश्वास नहीं किया होता तो वह प्रभु यीशु को अपने गोद में नहीं पा सकती थी। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपके कथन के अनुसार मुझ में पूरा हो जाए। इसमें ईश्वर का योगदान क्या है? अपनी तरफ से ईश्वर ने मरियम को अपने एकलौते बेटे की मां बनने वाले अपनी पुत्री को परिपूर्ण कृपा से भर दिया और उसकी स्वातंत्र्य को कोई हानि पहुंचाए बिना उसे हां हो जाए कहने में मदद की। मरियम के विश्वास के बारे में हमने कई बातें सुनी, लेकिन हमारे दैनिक क्रिस्ती जीवन में इसका क्या महत्व है? इसे हम अपने दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग में लाए? कृपापूर्ण मरियम ने विश्वास किया और विश्वास के कारण वह ईश माता बन गई। मरियम के विश्वास के ऊपर ध्यान एवं मनन चिंतन हमारे लिए अपने विश्वास का, ईश्वर के प्रति अपने समर्पण के नवीनीकरण के लिए एक सुनिमंत्रण है, प्रेरणा है। हम भी विश्वास करें। संत पेत्रुस अपने पहले पत्र में कहते हैं कि हम सब ईश्वर के मंदिर या भवन है। वे कहते हैं कि पवित्रता में आगे बढ़ना ईश्वर के लिए जीवंत पत्थरों का, आध्यात्मिक भवन का निर्माण करने के समान है। जब हम पवित्रता या धार्मिकता में विकास करते हैं तब हम ईश्वर के लिए एक पवित्र सुंदर मंदिर के रूप में, एक आध्यात्मिक रूप में जोड़े जाते हैं। लेकिन हमारे बीच में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपना घर एक ऐसी जमीन पर बनाए जिसके ऊपर उसका कोई अधिकार ना हो? अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति के घर में या दूसरे व्यक्ति के जमीन पर मेरा घर बनाऊं तो वह घर उसी का होगा जिसका वह जमीन है। अगर ईश्वर को मुझ में अपने लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करना है तो मुझे सबसे पहले जमीन स्वरूप अपने जीवन का अधिकार उसे प्यार से, स्वेच्छा से, संपूर्ण स्वातंत्र्य से देना होगा। मरियम के समान हमें भी अपने जीवन में ईश्वर से कहना है, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। तो हम क्या करें? यदि हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना एवं आध्यात्मिक आचरण छिछला एवं अर्थहीन न रहे तो हम भी कुंवारी मरियम के समान कहें, देखिए, मैं आपका दास हूं, देखिए, मैं आपकी दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मुक्ति के इतिहास के तीन महत्वपूर्ण हां या हो जाए, इनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले सुना। पहला, सृष्टि की रचना के समय ईश्वर का हां। दूसरा, कुमारी मरियम का हां, ईश पुत्र को अपने गर्भ में शरीर धारण करने के कुछ देर पहले मरियम का हां। तीसरा, पास्का रहस्य में प्रभु यीशु का हां। एक चौथा हां की जरूरत है जिसके बिना मुक्ति का कार्य हमारे जीवन में अधूरा रहेगा, जिसके बिना मुक्ति का कार्य हमारे जीवन में पूरा नहीं हो जाएगा। यह एक ऐसा हां है जिसे जो हर दिन दुनिया के अंत तक कहा जाएगा। यह कलीसिया का हां है, हर एक विश्वासी का हां है, आपका और मेरा हां है। जी प्रभु, मेरे लिए निर्धारित आपकी योजनाओं के प्रति मैं
हां कहता हूं। मैं स्वयं को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। देखिए, मैं आपकी दासी हूं, मैं आपका दास हूं। आपका कथन, आपकी इच्छा मुझ में, मेरे जीवन में पूरी हो जाए। कुंवारी मरियम के तरह हम भी आनंद और उल्लास के साथ इन शब्दों को अपना बनाए। मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने दिल में जन्म दे। आमीन। और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। और हमारे सामने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु ईश्वर, इन बलि वस्तुओं के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर, जिससे तेरे पुत्र की माता कुमारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा किसी की अभिलाषा निष्फल, किसी की मांग अनसुनी न हो। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुमारी धन्य मरियम के इस दिन तेरी स्तुति और गुण गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से
तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुवारापन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है
नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का यह सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर, हमारे संतपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अब्राहम और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हें के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा, युगान युग मिलती रहती है। हम सब मिलकर विश्वास एवं भरोसे के साथ पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमारे मुक्तदाता ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है,
वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा कर देते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु भय से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य और हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेरे लिए जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेरे लिए जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेरे लिए जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो मेमने के इस विवाह भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Thank you.
धन्य है वह गर्भ जिसने शाश्वत पिता के पुत्र को धारण किया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गीय संस्कार ग्रहण कर हम धन्य कुवारी मरियम के पर्व में आनंद मना रहे हैं। उनके आदर्श पर चलकर हम मुक्ति के इस संस्कार के योग्य आचरण कर सके, यह हमारा निवेदन है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को अपना आशीष प्रदान करे। आप लोग विदा ले, क्रिस्त के शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद।